नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के हीरो रहे ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट की पहली पारी में भी अच्छी बल्लेबाजी की। अपनी बल्लेबाजी से तारीफें बटोरने वाले ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग की हमेशा आलोचना होती रही है। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज विकेट कीपर सैयद किरमानी ने ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की। किरमानी ने पंत को बल्लेबाज के रूप में प्रतिभा का खजाना बताया, साथ ही उन्होंने पंत की विकेट कीपिंग स्किल्स पर सवाल खड़े किए। सैयद किरमानी ने कहा कि ऋषभ पंत प्रतिभा का एक खजाना है। वो नैसर्गिक तौर पर शॉट खेलने वाला बल्लेबाज है, लेकिन विकेट कीपर के तौर पर उसे बहुत कुछ सीखना है। उसे यह भी सीखना होगा कि कब बड़ा शॉट खेलना है, जैसे कि उसने ऑस्ट्रेलिया में किया था। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की तारीफ करने के बाद पूर्व विकेटकीपर ने पंत की विकेटकीपिंग की खामियां भी बताई। उन्होंने कहा, पंत को विकेटकीपिंग में बुनियादी सही तकनीक की जरूरत है, जो उनके पास नहीं है। एक कीपर की क्षमता का अंदाजा तभी लगाया जाता है जब वो स्टंप्स के निकट खड़ा होता है। वो दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों के खिलाफ अच्छा विकेट कीपिंग कर सकता है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है जहां आप स्विंग और गेंद का उछाल देखकर उस मुताबिक अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऋषभ पंत ऐसे बल्लेबाज है जो अपनी टीम को जिताने की क्षमता रखते हैं। ब्रिस्बेन में उन्होंने जिम्मेदारी भरी पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। ऋषभ पंत के पास पहले भी ऐसे कई मौके सामने आए जब वो टीम को जीत दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना विकेट गवा दिया। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ भी वो गलत समय पर अपना विकेट खो बैठे थे और इंग्लैंड को जीत मिली। बहरहाल, टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला मैच इंग्लैंड ने अपने नाम किया। सीरीज का दूसरा मैच 13 फरवरी से खेला जाना है। दोनों ही टीमों की कोशिश इस मैच को जीतने पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।